मध्य प्रदेश के सिरोंच में 17 वर्षीय युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि पालीवाल कॉलोनी में रहने वाला 17 साल का नरेंद्र भास्कर होली के दिन दोपहर से लापता हो गया था। परिजनों ने नरेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह पुलिस को मरही माता मंदिर के पास डैम में किसी के लाश होने की सूचना मिली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला तो ये शव नरेंद्र का निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सिरोंच से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। ये मामला इस प्रकार से है कि 25 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे में ये बालक जो है नरेंद्र भास्कर, पिता बाबूलाल भास्कर, उम्र 17 वर्ष, निवासी पालीवाल कॉलोनी सिरोंज, ये दोपहर में घर से निकल गया था, कहीं बगैर बताए निकल गया था। तो 26 तारीख को थाने पर इनके पिताजी बाबूलाल भास्कर जी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जिसमें गुमिनसान और अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आज एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दिया कि केथन डैम पर एक व्यक्ति की लाश तैर रही है। उस बेस पर थाने पर मर्ग और हम लोग जांच के लिए वहां केथन डैम पहुंचे, जहां पर नरेंद्र उम्र 17 वर्ष की लाश मिली, जिसे हम वैधानिक कार्रवाई करते हुए जांच के लिए पीएम कराने के लिए हम अस्पताल लेकर आए हुए हैं।